बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। पांचवें दिन की बहुत शुभकामनाएं। बोर हो गए होंगे ना आप लोग, घर पे उदास भी हो गए होंगे, डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे, कई तो रो रहे होंगे। अच्छा है, क्योंकि ये वक्त बुरा नहीं है। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलोसफी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं खुश हूँ जो मैं हूँ, वो बन के वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसे कैसे बनी दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊँगी और तारे तोड़ ले आऊँगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीन एजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनी सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई, तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना 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 ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आँखें ही नहीं बंद कर सकती तो मेडिटेशन कैसे करेगी। तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपने विल पावर को डेवलप किया है, अपने इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो नामुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था ब्रह्मचर्य का, मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल। उस टाइम पे मैंने एक फिल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती हुई सी स्टेटमेंट दे लिख दी कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस होते हैं। और उससे जो है आपकी एनर्जी को अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। और अब पांचवें दिन मेरी और रंगोली की एनर्जी भी थोड़ी लो आती जा रही है। क्या कहती हो रंगू? बहुत लो है आज। तो हम इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते, कट। कैसे चल रहे आप लोगों की नवरात्रि? मुझे दोस्तों मैंने देखा कि जैसे ऑनलाइन है या जो भी मीडिया वाले लोग हैं, इस तरह से जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज़ आते हैं या फिल्म्स होते हैं, उनको देखने का जैसे कोई कंपटीशन सा चल पड़ा हो कि जितने ज़्यादा हो सके उतना देखें। मुझे लगता है कि ये गलत है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने भी कुछ
जो भी देखा है इनमें से बहुत ही एक तरह से ये जो इस तरह का कंटेंट होता है, चाहे आप फिल्मों को ही ले लीजिए, ये आपको सिर्फ एंटरटेन करता है, ये आपको सही मायने में एंगेज नहीं करता। अगर इमोशनली एंगेज हो सकता है करें, मगर वो इमोशंस भी बहुत ही ज़्यादा तुच्छ किस्म के इमोशंस होते हैं, वो सेंसेशनलिज्म या सेक्सुअलिटी पे ही बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों, उसका क्या फ्यूचर क्या है उस तरह के एंगेजमेंट का या उस तरह की एंटरटेनमेंट का जो असली एंगेजमेंट आपको देता है, चाहे वो इमोशंस भी अच्छे होने चाहिए, जैसे भक्ति रस हो गया या प्रेम रस हो गया, ये इस तरह के इमोशंस आपको खड्डे में डाल देंगे, ये तो आपको बिल्कुल बर्बाद करके रख देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो किताबें होती हैं, किताबें जो हैं वो एक तरह से आपको एंगेजमेंट देती है, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट देती है, इमोशनल तो देती ही है, मगर साथ में अगर आप सही किताबें चुने तो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट भी दे सकती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप बुक्स पढ़ के अपना ये वक्त जो है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो मैं कुछ बुक्स रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक अपने एजुकेशन किया, उसके बाद मैंने खुद को खुद एजुकेट किया है। अगर मैंने अपने आप को किताबों का सहारा ना लिया होता तो शायद मैं आज जो हूँ वो नहीं बन पाती। तो दोस्तों, मैं कुछ किताबों का आपको नाम बताऊंगी जो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मुझे लगता है जैसे काइट रनर टाइप बुक हो गई, या नोटबुक पे बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, लेकिन बुक फिल्म से ज़्यादा बेहतर है। और लोगों को लगता है कि एल्केमिस्ट या फाउंटेन हेड बिगनर्स के लिए है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ऑन द सर्फेस दे मे लुक लाइक कि बहुत ही बेसिक मतलब समझी जा सकती हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो बहुत ही इंटेंस लेयर्ड बुक्स हैं, उनको तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं तो ये वक्त आप फिर से उसको पढ़ें। मैं उन्हें जितनी बार पढ़ती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया उनमें उनसे हासिल होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी बिगनिंग करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की राजा योगा बहुत अच्छी है, और उसके साथ में सद्गुरु ने जो लिखी है इनर इंजीनियरिंग इज़ वेरी गुड। और अगर आपको साइकोलॉजी की बुक्स अच्छी लगती हैं तो फ्रॉयड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बहुत अच्छी है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको फिल्मों में रुचि है, तो डेविड लिंच की एक बुक है कैचिंग द बिग फिश, और एडिटिंग पर बहुत अच्छी बुक है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पोएटिक्स बाय अरिस्टोटल, स्टोरी ऑफ कोर्स, यूजेस ऑफ एनचांटमेंट। अगर आप लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगी कि पॉलो कोयलो की ब्रीडा बहुत अच्छी है, वुमेन हु रन विद वुल्व्स बहुत अच्छी है। अगर आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो उसके लिए डेविड एंड गोलियत बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप सेल्फ हेल्प चाहते हैं तो रेन इन योर ब्रेन वेरी गुड। और उसके साथ में ही आप सोच रहे होंगे कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता क्यों नहीं कहा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक बुक नहीं है, वो एक यंत्र है। अच्छा होगा कि कोई नोविस उसको ना ही हाथ लगाए, और जो योग से ना जुड़े हैं वो भी उससे दूर रहें, क्योंकि इट कैन मेस यू अप। अगर आपने इसे मतलब एक बच्चे के हाथ में आप न्यूक्लियर पावर तो नहीं दे सकते, तो उससे अगर आपको आप योगी नहीं हैं तो उससे थोड़ा दूर रहें। और मैंने डेथ ख़त्म की अभी, और अभी मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं अयोध्या पे एक फिल्म बना रही हूँ। तो हिंदी की मैंने पुस्तक एक्चुअली कई दिनों से पढ़ी नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा, हिंदी भी थोड़ी ब्रश हो जाएगी मेरी। ट्राई दीज बुक्स। तो दोस्तों, मैं और रंगोली अभी उपवास पे हैं, 9 दिन हम लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाएंगे शाम में, और ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज़ करेंगे, जो भी हमारी टेक्निक्स हमने सीखी है, साधना हमने सीखी है, रंगोली की शाम्भू भी सीखी है, तो वो दिन में एक दो बार वही करेगी आसनास के साथ में। मैंने शाम्भू भी सूर्य क्रिया, शक्ति चलन, सामयमा, ये सब टेक्निक सीखी हैं, ये कई सालों की मेहनत है। तो मैं उसमें ना ज़्यादा जाकर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग कैसे वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो 7 चक्रास हैं, हम लोग की जो हमारे बेसिक मोस्ट बेसिक है, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत चक्रास होते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड कैसे उसके थ्रू हम लोग एनर्जी को उसका चलन कर सकते हैं, शक्ति का। सो दोस्तों, अगर आपको कपालभाति आता है, बंधा आते हैं, तो मूलाधार के लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं आते हैं तो सिंपल आप पेट में सांस भरिए, रोकिए और छोड़िए, 10-15 बार करिए। रंगोली क्या कहते हैं उसको,
उधर शोषण, इस प्रक्रिया को उधर शोषण कहते हैं। फिर ऊपर हम पहुंच जाते हैं जो हमारा मूलाधार अनहत है, उसके उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनको कवर करने के लिए। उसी तरह आप छाती में सांस भरिए, रोकिए और छोड़िए, इसको कहते हैं भस्त्रिका। 10-15 बार ये कर लीजिए। फिर ये हमारा विशुद्धि एक चक्र आता है, उसको भी हमारा बहुत कॉमन सा चांट है ओम, ओम आप 10-15 बार बोल लीजिए। और ये जो पूरा आज्ञ अग्न और इसको क्या बोलते हैं सहस्त्रार, अग्न और सहस्त्रार को कवर करने के लिए आप आलोम विलोम यहाँ से सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, ये 25-30 बार कर लीजिए, आप 10-15 बार भी कर लीजिए। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस। उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप दिन में 2-3 बार ये करते हैं इट विल डू वंडर्स फॉर योर एनर्जी लेवल्स एंड इट कैन बी बिगनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आई कैन बी योर गुरु। व्हाट्स इट, कैसा चल रहा है नवरात्रि का तीसरे दिन का उपवास आपका? आपको लगता होगा कि गंगा एक सुपरस्टार है, फैशनिस्टा है, बेस्ट एक्ट्रेस है, सन्यासी बन जाती है, योगी बन जाती है, मतलब व्हाई इज दैट? वेल, मुझे भी अजीब लगता है कि आप लोगों को ये अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या जितना हो सके उतना कुछ करके जाना है। कहीं ना कहीं हम लोगों की ना जो वेस्टर्न थिंकिंग है, कैपिटलिज्म ने इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में ठूस दिया है कि पैसा कमाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तो आज कहाँ है वो सब लोग, अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जितना पैसा है ले लो, हमारे घर ले लो, बस हमें कोरोना से बचा दो, बस हमें ज़िंदगी चाहिए। तो जब ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है, और सीधी सी बात अभी आपको 3-4 चीज़ें समझ आ रही है कि ज़िंदगी आपका काम नहीं है, ज़िंदगी आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स नहीं है, आपका सोशल स्टेटस नहीं है, ज़िंदगी आपका रिलेशनशिप्स भी नहीं है, क्योंकि अभी आप रिलेशनशिप्स वालों को मिल भी नहीं सकते, तो फिर ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी है। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मगर मैंने जो मनाली का अपना घर बनाया है, मैं कुछ भी कर सकती थी इन पैसों से, ये स्पेसिफिकली मैंने साधना के लिए ही बनाया। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया पे किस तरह के चतुर लोग होते हैं और किस तरह से तंज कसे जाएंगे और किस तरह से मुझे मेरा मुखौल बनाया जाएगा, इसलिए मैंने कभी कहा नहीं। मगर अब जब सब दुबक के अपने घरों में बैठे हैं तो मैंने कहा व्हाई नॉट शेयर इट। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साधना या योग ये सिर्फ योगियों के लिए है या सन्यासियों के लिए है। मुझे सफल होना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज़िंदगी में जो मैं हूँ वो बन के बहुत मज़ा आता है, फैशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है, ज़िंदगी के मज़े लूटना बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं ये नहीं चाहती कि ज़िंदगी मुझे लूट जाए, मैं ये नहीं चाहती कि एक्टिंग मुझे निचोड़ दे, मैं ये नहीं चाहती कि मैं ज़िंदगी का इस्तेमाल ना करके ये दुनिया मुझे इस्तेमाल कर जाए। इसीलिए मैं साधना में जाती हूँ, और इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, जिससे अब हमें बिल्कुल जो है वेस्ट ने बिल्कुल अलग कर दिया है। मगर वेस्ट में अगर आप देखें तो हम लोगों को तो जो भी है रेसिज्म के करके वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर जब भी उनका खुद का मतलब आता है तो बड़े इजीली वो, चाहे वो योगानंदा हो या महर्षि महेश योगी हो या वो विवेकानंदा हो या वो सदगुरु हो, उनके पैरों में गिर जाते हैं। ये हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड योगीज हैं, और बाबा नीम करौली आप देख लीजिए, जूलिया रॉबर्ट्स से, मडोना से, बीटल्स से, स्टीव जॉब्स से, मतलब हर एक के गुरु हैं। ऐसा क्यों होता है कि सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को, टीचर्स को, मुझे जो बचपन में योगा सिखाते थे उनको भी अमेरिका से इतने, उनको पता होता है कि कौन सबसे बेस्ट है, बड़ी आसानी से ले जाते हैं। हमारी सभ्यता के वैदिक डाइट को बड़े इजीली इंटरमिटेंट बना दिया है, बहुत ही जो भी जितने भी हम लोगों की चीज़ें हैं बड़ा सजा सवार के वेस्टर्नाइज करके हमको दे देते हैं। मगर क्या हम वो सोचेंगे जो वो चाहते हैं हमें सोचना? क्या हम उनकी इम्प्लांट की हुई बातों को ही अपने दिमाग में डेवलप करेंगे और उनकी सोच रखेंगे? क्या हम खुद, मैं ये नहीं कहती कि आप फॉलो मत करो, करो ना फॉलो। मैंने आपको बताया ना कि जो भी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं सब लोग तो फॉलो कर रहे हैं, योग की साधना से वो सक्सेसफुल हुए हैं। सो एनीवे, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साधना के क्या महत्व है और साधना क्यों सबके लिए ज़रूरी होती है। मैं कह रही हूँ आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, अब सिंपल लॉजिक, अगर आप में बिल्कुल भी सिंपल लॉजिक है तो जब आप ब्रीद इन करते हैं आपको ब्रीद आउट करना ही पड़ता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपको एक्सक्रीट करना ही पड़ता है, जब आप जगते हैं तो आपको सोना पड़ता ही है, चाहे जाए नहीं चाहे,
ऐसा थोड़ा ना है कि मैं नहीं सोना चाहूँगी तो मैं तो कहीं भी पास आउट हो जाऊँगी दो चार दिन बाद, वो एक ज़रूरी है। तो इसी तरह जब हमारी कार्मिक ट्रांजिशंस होती हैं इस वर्ल्ड में तो हमें उसको स्टेप बैक भी करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जितना मुझे चाहिए उतनी साधना कर पाती हूँ, मगर फिर भी जब जब मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। और पुराने ज़माने में 14-15 साल के बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, और चाहे वो राजा के हो, चाहे वो किसान के बच्चे हो, चाहे वो पंडितों के बच्चे हो, सब ज़मीन पे सोते थे, कृषि करते थे, बारिशों में गुरु की सेवा करते थे, मैथमेटिक्स सीखते थे, साइंस सीखते थे, म्यूज़िक सीखते थे, अच्छे 10-15 साल संन्यास लेके, योग लेके, उसके बाद छोटे छोटे जैसे हमारे एकादशी हो गया या हमारे क्या कहते हैं नवरात्रि हो गया, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स से उसको रिफ्रेश करने के। तो अब क्या हमारी संस्कृति में चीज़ें ही नहीं है? छोटे छोटे बच्चों ने इंस्टाग्राम में अकाउंट बना के रखे हुए हैं, उन लोगों को अभी से फॉलोअर्स चाहिए, तपस्या का तो कोई मतलब कोई प्लेस ही नहीं रह गया है अभी। राइट नाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ, हाउ विल यू लिव योर लाइफ, यू हैव नो फ्यूल टू बर्न। वो गाड़ी के चल सकती है जिसमें कोई फ्यूल ही नहीं है। सो वेल आई थिंक कि हम लोगों को अलॉन्ग विद लिविंग लाइफ किंग साइज वी शुड ऑल्सो लर्न टू बी वर्दी ऑफ वट वी वॉन्ट। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे पता है कुछ लोगों को लगता है कि यह वक्त बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही बुरा है। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर वक्त पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। हर वक्त जैसे दिन के साथ रात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी के साथ आंसू है, उसी तरह से हर वक्त में हर लम्हे के दो एस्पेक्ट होते हैं, आप चाहे किसी भी एस्पेक्ट में टैप इन कर सकते हैं। तो माना ये वक्त हमें अपनों से दूर ले जा रहा है, भीड़ से दूर ले जा रहा है, मगर इस वक्त को क्यों ना हम अध्यात्म, जिसको कहते हैं अपने खुद के करीब आना, उसको उसके लिए यूटिलाइज करें। माना ये वक्त हमें डरा रहा है, लेकिन उस डर में भी देखिए हम लोगों की चेतना बढ़ सकती है। किस तरह से हम उठते हैं, बैठते हैं, कौन हमसे बात कर रहा है, कौन हमसे हाथ मिला रहा है, कब हाथ धोना है और कैसे खुद को रखना है, व्हाई डोंट वी एनहांस आवर कॉन्शियसनेस। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे व्हाई नॉट यूज दीज वेरी स्पेशल डेज, जो हम नवरात्रि का मकसद लोग लगता है उपवास करना है, ऐसा नहीं है। उपवास एक जरिया है उस मकसद तक पहुँचने का, वाकई में मकसद है साधना करना। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं और मेरी बहन रंगोली जो इस वक्त ये वीडियो ले रही हैं, किस तरह से हम दोनों इन 9 दिनों को यूटिलाइज करना चाहते हैं, एंड लेट्स डू दैट। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है।